आज नौसेना में शामिल होगा INS विशाखापट्टनम। थोड़ी देर में ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना को सौंपेंगे INS विशाखापट्टनम। ये मौका बहुत खास है, ऐतिहासिक है। ब्रह्मोस और पराग जैसी घातक मिसाइलों से ये INS विशाखापट्टनम लैस है। मुंबई डॉकयार्ड पर हो रही है कमीशनिंग सेरेमनी और इस सेरेमनी की हर हलचल TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे इस वक्त मुंबई में INS विशाखापट्टनम पर ही मौजूद हैं और वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, आज के इस बेहद खास और ऐतिहासिक मौके पर दो चीजें समझना जरूरी है कि INS विशाखापट्टनम इतना खास क्यों है और इसकी ताकत क्या है। खासियत का जब हम जिक्र करते हैं तो कई अहम बातें सामने आती हैं। ये INS विशाखापट्टनम लंबाई इसकी जो है ये 163 मीटर है। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 17 मीटर है। INS विशाखापट्टनम का पूरा प्रारूप हम यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आज का जो मौका है ये कितना अहम है इसकी अहमियत आपको समझ में आए। कुल वजन इसका जो है वो 7400 टन का है। चौड़ाई 17 मीटर, लंबाई 163 मीटर। और देखिए इसकी और कई खासियतें, स्टाफ कैपेसिटी जो है वो 300 की है INS विशाखापट्टनम की। और इसके अलावा अगर स्पीड पर गौर किया जाए तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से ये INS विशाखापट्टनम लैस है। टाइप है इसका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और इसीलिए दुश्मन देशों का दिल दहल जाता है जब INS विशाखापट्टनम चलेगा तो, ये उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफे के लिहाज से ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। इंजन है इसका 4 गैस टर्बाइन इंजन का इसका इंजन होता है। रेंज की अगर बात करें तो 4000 नॉटिकल मील तक इसकी रेंज है जो इसे बेहद खास बनाती है। स्वदेशी तकनीक से ये INS विशाखापट्टनम बना है और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, गर्व का लम्हा है। क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है तो उस दिशा में भी इसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। अब ताकत की बात कर लेते हैं। युद्धपोत पर 16 ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी। 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा INS विशाखापट्टनम। इसके अलावा बराक मिसाइल, सुपर रैपिड गन माउंट और सैफ रॉकेट तैनात होंगे इस पर। तो आप देखिए कि इसकी ताकत जो है वो कितनी जबरदस्त है। पनडुब्बी तबाह करने के लिए 4 टॉर्पीडो लॉन्चर्स का भी इसके ऊपर इंतजाम किया गया है। जैविक और केमिकल हमले से पूरी तरह से क्रू मेंबर्स सुरक्षित रहें ये भी इंश्योर किया गया है, उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा क्या है, मल्टीपल हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के लिए हेली ट्रेवर्सिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन को नष्ट करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। और मौजूदा दौर में ड्रोन भी कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं इससे हम और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो उसका भी इस पर ध्यान रखा गया है। हर खतरे को भांपने के लिए मजबूत रडार सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो भी इस पर लगाया गया है। तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए और हमारे देश की नौसेना के लिए कितनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।